being welcomed and he is waving to the public and exchanging greetings. हाथ उठाकर अभिवादन किया यहाँ उपस्थित जम समुदाय का, बौद्ध भिक्षुओं का, गणमान्य व्यक्तियों का, और इस समय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विशिष्ट रूप से यहाँ पर बनाई गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं. इस प्रदर्शनी में अजंता गुफाओं के वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया है. MR पिंपरे द्वारा अजंता की गुफाओं में बने वृत्त चित्रों को बेहद खूबसूरती से उकारा गया है, अलग अलग तरीके से. और पहली जिस मुद्रा का प्रथम उपदेश देते हैं मृगदाओ पत्तन सारनाथ में, और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की अनेकानेक ऐसी मुद्राएं जहां पर उड़ती अप्सरा और एक आंख वाले मॉन्क एशिया तक हुआ, उसका भी यहां पर एक शानदार अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द म्यूरल्स. अजंता इज अबाउट टू रीच परिनिर्वाण टेम्पल. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, और भारत अनेक धर्मों के उद्गम का स्थल रहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अनुपम उदाहरण रहा, और इसको बेहद खूबसूरत तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह मुक्ति मार्ग दिखाया भगवान तथागत बुद्ध ने. मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर. मेरे स्वर नभ में घहर घहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय. ये सनातन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारी सामासिक संस्कृति है जिसने सभी धर्मों को अपने हृदय स्थल में सजोकर समूचे विश्व को सौरभमय किया. और ये महापरिवार महान परिनिर्माण स्थली है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, चीवर दान करने के लिए, और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए. अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए. द परिनिर्वाण टेम्पल वेयर reclining statue of Lord Buddha is there, and he will offer prayer and he will offer chivardan, and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha, and Buddhist monk is helping him to offer prayers and dhyana. दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव. दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है. अपना मृत्योर्मा अमृतम गमय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में. टू द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड offering respect robe, and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and is पूर्ण सहस्तित्व का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण साहचर्य का मार्ग भारत ने दिखाया. और ये नीतियां दिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति में, जब वो कहते हैं कि पड़ोसी सर्वप्रथम, और जब वो कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण पौधारोपण कर रहे हैं इस महामंदिर के प्रांगण में. और ये वही बोध वृक्ष है जिसके तले बैठकर तप करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, वो अरहत हुए थे, उन्हें निर्वाण की प्राप्त हुई थी, और उसी बोध वृक्ष के पौधारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. द बोधि वृक्ष सैपलिंग नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट गिविंग वाटर एंड न सिर्फ कुशीनगर को पहचान मिली है आज एक विशेष, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को और देश की छवि को भी आज एक नई आभा मिली है. माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक बार करतल ध्वनि से आइए हम हार्दिक स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका शुभागमन इस मंच पर हो चुका है. देवियों सज्जनों, आप सभी करतल ध्वनि के साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, अपने
व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उनका आगमन, आप सबकी एक करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से, अर्चना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा। सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो, मानव जीवन खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही कामना और यही प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित इस समारोह में दिव्य सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से कुशीनगर को पहचान तो मिली है, उत्तर प्रदेश की प्रगति और देश की छवि को भी एक नई आभा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ और आज अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ के लोकहित की तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के माध्यम से उपोषित यानी उपवास रखने की जो प्रक्रिया है, साधना के उनका एक स्वरूप है, और महीने में दो बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए, और उसमें वर्षा ऋतु में तीन महीने तक एक ही स्थान पर वास करना और उस एक स्थान पर रहते हुए धर्म का चिंतन करना, अध्ययन करना, और इस रूप में अपने आप को भविष्य के लिए नई एक ऊंचाई पर, नए चरण तक लेकर जाने की प्रक्रिया, सब जानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं से है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देशवासियों को और विशेष तौर पर युवाओं को इस बात के लिए सदैव प्रेरित किया है कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को जानें, उस पर गर्व करें, उसको संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएं और एक सेतु बने आने वाली पीढ़ियों तक उसे पहुंचाने में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस दिशा में अथक प्रयास किए हैं। मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह के सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए, संजोने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और इस पूरे प्रयास में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की और अन्य मंत्रालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उनका योगदान है। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका श्री नमल राजपक्षा इज ऑल्सो ग्रेसिंग द ओकेजन। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर सर मिस्टर राजपक्षा फॉर हिज एड्रेस। गरुतर महासंघरत्न अवसराय, हिस एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, द गवर्नर, हिस एक्सेलेंसी द चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आई बोवान वनक्कम नमस्ते। इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर an honor, Your Excellency, to be on the inaugural international flight to Kushinagar International Airport along with Mahasangha on this auspicious day of Vappoya, where we believe, Kushinagar, where we believe Mahaparinirvana of Lord Buddha took place. I recall it was Honorable Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, suggested to Prime Minister of Sri Lanka on a virtual bilateral summit that was held September 2020 that 100 members from the Buddhist clergy must join for the inaugural flight to Kushinagar operated by Sri Lankan Airlines. Your Excellency, it's an honor we will cherish for years to come. Later today, our delegation led by Venerable Mahasangha will be visiting Varanasi, where many Sri Lankan Buddhist pilgrims visit annually. Incidentally, it happened to be the constituency of His Excellency, the Prime Minister Narendra Modi. Dear friends, Excellencies,
The greatest gift that Sri Lanka has ever got from India is Buddhism. Ever since it arrived, the relationship between people to people in our countries have been growing strength to strength. Mahinda Rajapaksa, the Prime Minister of Sri Lanka, commissioned the translation of Bhagavad Gita into all languages that has been spoken, that we speak in Sri Lanka. We believe that this will not only benefit the Sri Lankans, but everyone all over the world. It symbolizes the role India has played in our history and the role India will play in the future. I would also like to thank Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for extending a grant of $15 million to Sri Lanka to strengthen the Buddhist ties between our two nations. Your Excellency, the name Mahinda has played an important role in the history of our countries. The Mahinda I'm referring here is your Prince Mahinda, who is the son of King Ashoka. Venerably known in Sri Lanka as Mihindu Maharathan Vahanse, who bought the most treasured gift, Buddhism, to Sri Lanka from India, ushering us a new culture and a peaceful way of life. Your Excellency, I believe today that you have created history once again. By opening the doors to Kushinagar, Buddhists not only from Sri Lanka, but from all over the world, will be able to visit one of the most sacred sites in Buddhism. May you be blessed, Your Excellency, may you be blessed for this meritorious act, and may you be remembered forever. Thank you.